पर्यावरण, इस निबंध में पर्यावरण का क्या अभिप्राय है यह बताया गया है। इसके साथ ही भारतीय साहित्य, विशेषकर प्राचीन साहित्य में यह विषय किस तरह उपलब्ध है, हमारे चिंतक, विचारक और साहित्यकार इस विषय से किस तरह जुड़े रहे, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति वे किस तरह चिंतित थे और किस रूप में उन्होंने पर्यावरण को अपने साहित्य में स्थान दिया है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त पाश्चात्य साहित्य में भी पर्यावरण विषय किसी न किसी रूप में दृष्टव्य है। उसका उल्लेख किस रूप में किया गया है, इस पर भी चर्चा की गई है। पर्यावरण प्रदूषण के क्या दुष्परिणाम हैं, हम पर्यावरण को किस तरह हानि पहुंचा रहे हैं और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं और उसके प्रति संवेदनशील बन सकते हैं, इस विषय पर चर्चा इस निबंध में की गई है। आवरण शब्द में परि उपसर्ग जोड़ने पर शब्द बनता है पर्यावरण। परि अर्थात चारों ओर एवं आवरण का अर्थ है ढकना या घेरना। इस तरह हमारे चारों ओर जो कुछ भी विद्यमान है वही पर्यावरण है। यह शब्द एक व्यापक अर्थ को वहन करता है। केवल प्राकृतिक परिस्थितियां नहीं अपितु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियां भी पर्यावरण में शामिल हैं। प्राकृतिक स्तर पर हमारे चारों ओर विद्यमान जल, थल, आकाश, जीव जंतु, वनस्पतियां ही हमारे वातावरण का निर्धारण करती हैं। यही वातावरण पर्यावरण के रूप में समझा जाता है। इस धरती पर जीव के जीवन और विकास में इसी पर्यावरण का विशेष योगदान है। जहाँ पर्यावरण की दशाएं जीवन के अनुकूल होती हैं वहीं जीवन स्वस्थ होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन का विकास रुक जाता है। शायद इसीलिए मनुष्य पर्यावरण के प्रति सदा सचेत रहा है। भारतीय साहित्य में यदि पर्यावरण से जुड़ी संचेतना को तलाशा जाए तो हम यह देखते हैं कि उपनिषद, पुराण, आरण्यक आदि प्राचीन साहित्य के साथ संस्कृत कवियों जैसे वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास, बाणभट्ट कृत साहित्य में भी पर्यावरण किसी न किसी रूप में उपस्थित है। इसी तरह पाली एवं प्राकृत साहित्य में भी पर्यावरण चिंतन मौजूद है। वैदिक काल से ही यह सत्य स्थापित हो चुका था कि स्वस्थ पर्यावरण से यदि मनुष्य जाति सुख को प्राप्त करती है तो अस्वस्थ पर्यावरण रोगों एवं दुखों का कारण है। मनुष्य का प्रकृति के प्रति विवेकपूर्ण व्यवहार स्वस्थ पर्यावरण को और अविवेकपूर्ण व्यवहार पर्यावरण को घातक बनाता है। प्रकृति और पर्यावरण के साथ मनुष्य का संबंध इतना गहरा है कि उसके बगैर मनुष्य का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है। कितनी व्यापक और विराट कामना है जब यजुर्वेद के इस मंत्र को पढ़कर हम उसका गंभीर अर्थ ग्रहण करते हैं। वो श्लोक है ओम द्यो शांति रंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापह शांति रोषधय शांति वनस्पतियः शांतिर विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। अर्थात द्युलोक शांति दाता हूँ, अंतरिक्ष पृथ्वी पर शांति हो,
जल शांतिदाता हो, औषधियाँ शांतिदायक हों, वनस्पतियाँ शांतिदाता हों, विद्वज्जन शांति लावें, ज्ञान भी शांति दे, सभी वस्तुएं शांतिदाता हों, शांति भी शांति दे और सर्वदा हमें शांति मिले। वैदिक साहित्य का ही यदि अवलोकन किया जाए तो ऐसे कई स्थल हैं जहां प्रकृति के लिए मानवीय संवेदना का भाव दिखता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में पवित्र नदियों के प्रति प्रेम और अनुराग का भाव यही प्रदर्शित करता है कि जल और उसकी संवाहिका नदियां ही मनुष्य अस्तित्व को बनाए रखने में एक प्रमुख कारक हैं। धरती के लिए माता की तरह पूजनीय भाव भी पृथ्वी सूक्त में देखा जा सकता है। अथर्ववेद में प्रकृति को नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर अरण्यानी संज्ञा देकर ऋषि द्वारा किया गया प्रश्न गहरे चिंतन का परिणाम माना जा सकता है। उसमें प्रश्न है कि हे अरण्यानी, जब मेरे पुत्र वनों को काटकर लकड़ी अर्थात काष्ठ लाते हैं तब तुम कैसा अनुभव करती हो? ये सारे संदर्भ यह स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति के समस्त उपादानों के प्रति मनुष्य संवेदनशील रहा है। उसने यह अनुभव किया था कि प्रकृति के सहचर्य के बगैर मनुष्य मात्र का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भाव मिलता है। अशुद्ध का अर्थ है पीपल। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। संस्कृत का श्लोक है, मूल ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा यश्च महेश्वरः पत्रे पत्रे च देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। अर्थात पीपल की जड़ में ब्रह्म का, छाल में विष्णु का, शाखाओं में शिव का एवं पत्ते पत्ते में देवताओं का वास है। ऐसे वृक्षराज को नमस्कार है। दरअसल हम जिस किसी के प्रति भी पूज्य भाव रखते हैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। वृक्ष हमारी प्राणवायु के स्रोत हैं, अतः देवत्व भाव देकर हमने और हमारे साहित्य ने, हमारे चिंतन ने वृक्षों के प्रति हमारी जवाबदेही निश्चित की है। ठीक ऐसा ही भाव जल की अजस्र स्रोत नदियों के लिए भी हमारे ऋषियों, हमारे पूर्वजों, हमारे चिंतकों द्वारा अनुभव किया गया। नदियों को मैया कहना, उनकी पूजा करना धार्मिक अंधता का नहीं अपितु कृतज्ञता के भाव का परिचायक है। यदि यह सद्भाव इस भौतिकतावादी युग में हमारे अंदर पूरी तरह जीवित रहता तो शायद नदियों के प्रदूषण की समस्या हमारे सामने नहीं होती। इसी तरह दूसरी संस्कृतियां एवं सभ्यताएं भले ही पर्वतों और पहाड़ों को पत्थरों का पिंड मात्र समझें, भारतीय संस्कृति ने उन्हें देवतुल्य समझा है। कुमार संभव में कालिदास ने लिखा है कि पृथ्वी का मानदंड हिमालय न केवल देवतात्मा है अपितु शिव अर्थात कल्याण का आश्रय भी है। वह अन्नपूर्णा गौरी का पिता है, इसी तरह सागर समृद्धि की देवी लक्ष्मी का जनक है। हम सभी जानते हैं कि व्यापार का मुख्य स्रोत सागर अर्थात जलमार्ग ही था। व्यापार से लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की प्राप्ति होती रही है। तात्पर्य यह कि हमारे जीवन में प्रकृति के समस्त उपादानों की अहम भूमिका रही है। इस भाव को पुष्ट करने ही हमारे पूर्वजों ने इस सब उपादानों को देवत्व भाव से जोड़कर उनकी सुरक्षा की संचेतना से हमें बांधे रखने का प्रयत्न किया। हमारी धार्मिक व्यवस्था में तुच्छ समझी जाने वाली चींटी से लेकर विशालकाय हाथी किसी न किसी प्रतीक से जुड़कर अपने महत्व को सिद्ध करते हैं। यह सब जीव जगत की सुरक्षा के विचार से किया गया आयोजन है।
अनास्था और नास्तिकता के भाव पनपने के कारण समय के साथ इन सब विचारों के पीछे के व्यापक संदर्भों से हम अपरिचित होते चले गए। पर्यावरण की सुरक्षा, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी से हम दूर होते चले गए। इनका परिणाम हमारे सामने है। प्रकृति और पर्यावरण हमसे रुष्ट हैं, जबकि हमारे चिंतन में सदा इनकी सुरक्षा और संरक्षण की बात की जाती रही है। हिंदी साहित्य में कबीर ने भी लिखा है, पाति ब्रह्म पुहपे विष्णु फूल फल महादेवा, तीनों देवो एक मूर्ति करे किसकी सेवा। अर्थात पत्ती में ब्रह्म, पुष्प में विष्णु और फूल फल में शिव का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों त्रिगुणात्मक शक्ति जब एक ही जगह हैं तो तुम इन्हें तोड़कर किसी अन्य देव की पूजा या सेवा क्यों करते हो। मलूक दास ने भी लिखा, हरि डारमत तोड़िए लागे छूटा बाण, दास मलूका यूं कहें अपना सा जीव जान। इसी तरह आधुनिक कवि अज्ञेय की रचनाओं, उनकी प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा और साम्राज्ञी का नैवेद्य दान में भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संवेदना का अनुभव हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारतीय साहित्य की तरह पाश्चात्य साहित्य में भी पर्यावरण विषय अभिव्यक्त हुआ है। जॉन कीट्स, शेली, पर्शी, वर्ड्सवर्थ की कविताओं में प्रकृति के समस्त उपादान चित्रित हुए हैं। शेक्सपियर, मिल्टन आदि के रचना संसार में भी पर्यावरण की चेतना मुखरित है। साहित्य में जब कभी प्रकृति के चित्र खींचे जाते हैं तो उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि ये चित्र पर्यावरण के प्रति हमारे उदार भावों को और अधिक समृद्ध करने, प्रकृति के लिए हमारे आदर, सम्मान, प्रेम, अनुराग को बढ़ाकर उसे संरक्षित करने की दृष्टि देने एवं प्रकृति के प्रति हमारे उत्तरदायित्व को अभिव्यक्त करना भी चाहते हैं। यह बात सर्वथा भिन्न है कि विज्ञान वाणिज्य प्रदत्त भौतिकता की चकाचौंध में हम इतना खो गए कि इन विचारों की तह तक अब नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम है पर्यावरण प्रदूषण। धुआं उगलती चिमनियां, कुआं निगलते खेत, शहर गांव दोनों हुए भूखे नंगे प्रेत, पेड़ कटे जंगल जले गांव हुए बर्बाद, शहरों बीच सीमेंट के जंगल हैं आबाद। कविता की ये पंक्तियां आज के हमारे सबसे बड़े सच से हमारा सामना करवा रही हैं। प्रदूषण ने सब कुछ निगल लिया है। अत्यधिक भोगवादी लालसा, धन संग्रह की चाहत, भौतिकता के प्रति हमारे विशेष आग्रह हमारी आज की सोच, आज के विचारों के अहम हिस्से हैं। हमारा जीवन कृत्रिम, बनावटी और असहज हो चला है। प्रकृति हरे भरे जंगलों की जगह अब कंक्रीट के जंगल, उद्योगों, कल कारखानों की धुआं उगलती प्रदूषण फैलाती चिमनियां, अशुद्ध वायु, प्रदूषित जल ही जैसे हमारे जीवन और हमारे विकास को सूचित कर रहे हैं। दरअसल यह विकास नहीं, विनाश है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात तापमान में वृद्धि, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि पर्यावरण के असंतुलन को सूचित कर लगातार हमें चेतावनी दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ओजोन परत को लगातार हानि पहुंच रही है। ओजोन परत, जो कि सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है, ओजोन परत को पहुंच रही हानि के जिम्मेदार
हम ही हैं। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और उससे तापमान बढ़ रहा है, वहीं क्लोरोफ्लोरो गैस के बढ़ते उपयोग ने भी ओजोन परत को क्षतिग्रस्त किया है। उद्योगों में प्रयुक्त हो रहे रसायन, विमान और रॉकेटों का धुआं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। पर्यावरण प्रदूषण का एक रूप है ध्वनि प्रदूषण या शोर। बढ़ता शोर भी हमारे आज के युग की देन है। हमारे कान भी निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि को सुनने में असमर्थ हैं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। 0 डेसिबल वह ध्वनि है जिसे कानों द्वारा सुना नहीं जा सकता। 25 डेसिबल तक की ध्वनि खामोशी, 26 से 56 डेसिबल की ध्वनि शांत, 66 से 75 डेसिबल की ध्वनि साधारण शोर तथा 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि शोर में शामिल होती है। सड़क एवं रेल मार्ग पर शक्तिचालक वाहनों की भीड़ ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। उद्योगों में स्वचालित मशीनों की तेज आवाज़ एयर सायरन भी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। हमारी परंपराओं में धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकरों की ध्वनि, पटाखे आदि भी इस प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। सुपरसोनिक विमान, रॉकेट, स्वचलित तोपें आदि भी शोर को जन्म देते हैं। शब्द को हमारे चिंतन में ब्रह्म का स्थान दिया गया है, पर जब यही ध्वनि, यही शब्द हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाता है तो हम ही कष्ट को प्राप्त करते हैं। चिड़चिड़ाहट, मानसिक अशांति, अनिद्रा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां इसी शोर का परिणाम मानी जा सकती हैं। गहरा चिंतन हमें यह दृष्टि प्रदान करता है कि समस्त प्रदूषण का कारण हमारे चिंतन के प्रदूषित होने के कारण ही है। मन यदि प्रदूषित न हो तो शायद प्रदूषण भी न हो। मन को सर्वाधिक प्रदूषित किया है लोभ ने, लालच ने। पवित्र मन से सत्कर्म और श्रम द्वारा ही हम प्रदूषण मुक्त हो सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य की दृष्टि यदि सौंदर्य भाव को ग्रहण करने लगेगी तो प्रकृति और उसके उपादान, वनस्पतियाँ, जीव जंतु आदि के प्रति उसकी सुप्त संवेदना पुनः जागृत हो जाएगी एवं प्रकृति से मानव का संबंध पुनः प्रेम कारक बन सकेगा। हमें अपनी सोच, अपनी परंपराओं और उसके मर्म को समझने की आवश्यकता है। वृक्षों के मूल में जल अर्पण करने के पश्चात ही जल ग्रहण करने जैसी आस्था के सकारात्मक पहलू को यदि हम समझें तो यह परंपरा ढोंग या पाखंड के स्थान पर हमें पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम महसूस होगा। वृक्षों को पूज्य मानकर पीपल, बरगद, तुलसी की पूजा पर्यावरण संरक्षण का ही संदेश हमें देती रही है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में भी ऐसा ही प्रसंग है, जिसमें कवि ने शकुंतला के लिए लिखा है कि वह वृक्षों को जल पिलाए बिना स्वयं जल पीने की इच्छा नहीं करती। आभूषण प्रिय होने पर भी श्रृंगार के लिए फूल पत्ती नहीं तोड़ती। कितने विराट भाव का संदेश देती हैं ये पंक्तियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि सार्वजनिक मार्ग पर कूड़ा, कचरा, धूल मिट्टी डालने पर 1/8 स्वर्ण मुद्रा का दंड और कीचड़ फैलाने पर 1/4 स्वर्ण मुद्रा का दंड
एवं दोनों अपराध करने पर यह दंड दो गुना कर दिया जाए। मंदिर, कुएं, तालाब के निकट, पवित्र और सरकारी संस्थानों के पास विष्ठा फेंकने पर इस अपराध के लिए 1 स्वर्ण मुद्रा दंड के स्वरूप वसूल की जाए। उस काल में यदि इस तरह के दंड का प्रावधान था, पर्यावरण के प्रति इस तरह की संचेतना थी, प्रदूषण मुक्त वातावरण की समझ थी, तो आज भी हम पर्यावरण प्रदूषण रोकने, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने की दिशा में उचित कार्य कर सकते हैं। विकास का सही लक्ष्य हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के रास्ते पर चलकर ही प्राप्त कर सकते हैं और इस दिशा में पुनः संवेदनशील बनकर अपने साहित्य को देखने और उस समझ को पुनः विकसित करने की आवश्यकता है।